दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई मेन पार्ट हिल्स। यूज कूपन कोड RIG10 फॉर 10% डिस्काउंट। मटका घर जो पानी पीते हैं। अच्छा अच्छा सेम। ओहो यही पत्थर देख लीजिएगा, यहाँ पे क्यों नहीं है, वहाँ आवाज है, यहाँ नहीं है। जय जोहार, हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं अंबिकापुर से लगभग 20 किलोमीटर और दरीमा से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत जगह में आया हुआ हूँ, जिसे कहा जाता है ठिनठिनी पत्थर। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर जो हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं यहाँ की जो अनोखी बात है, जो महिमा है इन पत्थरों की, जो आश्चर्यजनक बात है, वो बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों जब आप अंबिकापुर दरीमा से आएंगे तो इस रूट से आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड जो है लिखा हुआ है ठिनठिनी पत्थर का। तो यहाँ से आपको इस रास्ते में जाना होगा। तो आइए चलते हैं अभी ठिनठिनी पत्थर की तरफ। दोस्तों क्या आपको लगता है कि हम पत्थर से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलवा सकते हैं? ये बोलने में बहुत ही अद्भुत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आज जो है ना, जहाँ पे इस जिस पत्थर के पास हम बैठे हुए हैं, इस पत्थर से अलग अलग तरह की अलग अलग ध्वनि निकलती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। सामने में ये एक बड़ा सा जो पत्थर है, ये पत्थर है और इसके नीचे भी पत्थर हैं। तो दोनों पत्थरों में मैं आप लोगों को जो है डिफरेंस है वो आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं ले लेता हूँ एक, ये पत्थर है। पत्थर को जैसे हम दूसरे पत्थर से रगड़ेंगे तो किस तरह से आवाज़ आता है आप सुन सकते हैं। ये नॉर्मल जो पत्थर है उसको करेंगे तो है। इधर एक और पत्थर, इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। ये तो इस तरह का होता है। और अभी हम इस पत्थर को बजा के देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इधर से, यहाँ पे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये किस तरह से आवाज़ आ रहा है, हर जगह में एक अलग ही आवाज़ है। देख सकते हैं यहाँ जो है ना, ये घड़े का आवाज आ रहा है। और यह जो पत्थर है ना, इस पूरे पत्थर में भी आवाज नहीं आ रही है। ये मेन जो पत्थर है, ठिनठिनी पत्थर जिसको कहा जाता है, ये है, ये इन पत्थरों पे टिका हुआ है। ये जो पत्थर है, इधर मैं बजा के बताता हूँ, देखिए इधर नहीं है, लेकिन इधर इसका जो छांव है ना, इधर आएंगे तो आपको ये आवाज़ें सुनाई देंगी। ये देख सकते हैं, तो हर जगह में अलग अलग आवाज़। ये देखिए, ये वाला पत्थर में कुछ आवाज़ नहीं है। अभी थोड़ा अपन और घूम जाते हैं और मैं ये जो पत्थर है, इस पत्थर को भी मैं चेंज कर देता हूँ। अगर आपको लगता होगा कि इस पत्थर के कारण से बज रहा है, तो इधर एक और पत्थर रखा हुआ है, ये ले लेता हूँ मैं, इससे बजाते हैं। ये सुन सकते हैं आप किस तरह से आवाज़ आ रहा है। पूरा पत्थर में ही घूम जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यह जो पत्थर है बज रहा है, और इसको ठिनठिनी पत्थर कहा जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन इनमें से आवाज़ नहीं आती है, बस यह जो पत्थर है, इसी पत्थर से आवाज़ आती है। और ऐसा बताया जाता है यहाँ बाबा जी द्वारा, कि इस पत्थर को पहले कहीं ले जाने की कोशिश की गई थी, जंजीर से बांधा गया था, लेकिन इस पत्थर को यहाँ से हिला नहीं पाए। यह पत्थर आज भी वैसा ही है, काट के ले जाने की कोशिश की गई थी किसी के द्वारा इधर से साइड से। तो इस जो पत्थर की है बहुत सारी महिमाएँ, हर जगह में अलग अलग जगह अगर हम बजाते हैं तो अलग अलग आवाज़ आता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा। हर जगह से आपको एक डिफरेंट अलग ध्वनि सुनाई देगी। तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी पत्थर है यह। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह की बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं।
यहाँ सुन लीजिए घाड़ा का आवाज है, मट्टा घाड़े जो पानी पीते हैं। अच्छा अच्छा सेब, ओहो यही पत्थर देख लीजिएगा, यहाँ पे क्यों नहीं है? वहाँ आवाज है, यहाँ नहीं है, यहाँ से परछाई मिला है। अच्छा, इसलिए बोल रहा है पत्थर, तो पत्थर यही भी है, देखो तो आया, इस पत्थर का असर है, असर है। यहाँ से देखिएगा आवाज में आ मिलेगा कुछ कुछ, जहाँ से परछाई मिला है वहाँ से चालू हो गया है। आपको मैं छिटी धाम का बाबा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरे को बहुत आदमी ले जाते हैं, यहीं से संखरी बंधवाया अंग्रेज लोग। अच्छा, दो ट्रैक्टर माधे संखरी, ठीक, दो ट्रैक्टर का इंजन जल गए लेकिन डूबला तक नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ठिनठिनी पत्थर का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अलग अलग से जो आवाज़ें हैं उसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़।